नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर नरसिंहपुर से, जहां बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एवं मीडिया से बात करते हुए लगाए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सनसनीखेज आरोप। मुझे भी 6 नकली इंजेक्शन लगाए गए, मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ तब 4-6% इन्फेक्शन था। मुझे 17-22 अप्रैल तक 6 इंजेक्शन लगाए गए, उसके बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ, ऑक्सीजन लेवल घटता गया, दोबारा भर्ती हुआ, इन्फेक्शन 14-16% बढ़ गया, फिर 6 इंजेक्शन और लगाए गए। ऐसे में 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। जो पहले इंजेक्शन लगाए गए वह नकली थे। वैसे तो विधायक जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन उन्होंने जब रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ाए गए उस सिटी हॉस्पिटल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक सरकारी अधिकारी ताकतवर व्यक्ति शामिल हैं। जबलपुर संभाग में जितने भी इंजेक्शन का रिकॉर्ड है उसकी जांच हो, जो भी इनमें शामिल है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए, जो सिटी हॉस्पिटल है उसको कोविड सेंटर बनाया जाना चाहिए, दवाई दुकान को भी बंद किए जाएं, नर्सिंग कॉलेज चल रहा है उसमें भी बहुत गड़बड़ियाँ हैं, अपात्र व्यक्तियों को एडमिशन मिल जाता है और बाद में उनको आना नहीं पड़ता और डिग्री दे दी जाती है, ऐसी बहुत खामियाँ हैं। जब रेमडेसिविर की शॉर्टेज थी जिस समय मैं बीमार भी हुआ था, और मुझे 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए थे। पहली बार जब मैं 17 तारीख को एडमिट हुआ था और उस समय मेरा फेफड़ों का इन्फेक्शन वो 4% था। दोबारा एडमिट हुआ था, सी टी स्कैन 25 तारीख को कराई, तब वो 15-16% था इंजेक्शन लग 6 इंजेक्शन लगने के बाद। और उसके बाद जब 6 इंजेक्शन लगे उसमें मैं ठीक हो गया, मतलब 16% भी वो 6 इंजेक्शन बाद वाले में ठीक हो गए। उसी प्रकार से हमारे साले दिनेश पटेल भी, उनको मात्र 2% इन्फेक्शन था उसी समय जब मुझे हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद। फिर श्रीमती जी को भी 2% था, क्योंकि श्रीमती जी ने दवाई प्रोवाइड उनको की डॉक्टर ने और उनको वैक्सीन लग गई थी। दिनेश पटेल को वैक्सीन नहीं लगी थी और शुगर भी थी, तो डॉक्टर ने उनको 4 इंजेक्शन लगा के दोनों ठीक हो गया। और वो लगातार फिर उसके बाद सी टी स्कैन नहीं कराई, और उसके कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 8 दिन बाद उनको बुखार आ गई, उन्होंने देखा तो वो लगभग 90-92% इन्फेक्शन हो गई। दो एक उदाहरण तो मेरे हैं, हमारे परिवार इंजेक्शन लगने के बाद ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई उसी काल में। अगर हम देखें पूरे संभाग में हज़ारों की संख्या में उसमें जो इंजेक्शन आए, उसमें हो सकता नकली आए, उसके आगे पीछे आए हों। अब वो मैंने एक और भी अपनी बात करी कि वो किस कंपनी के आए, किसके द्वारा लाए गए, तो जांच का विषय है। इसमें मैं समानता को अधिकारी उसमें नहीं दोषी है, उसी प्रकार से अन्य और भी चाहे वो और भी जो कालाबाज जुड़े हुए हैं या कोई संस्थान भी हो सकते हैं, कुछ अस्पताल भी हो सकते हैं, सिटी अस्पताल जो उसमें सीधे शामिल है, उसमें कुछ कहने की कोई बात नहीं है, और जाँच का विषय है और उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। नरसिंहपुर से मुकेश पटेल की रिपोर्ट।